in this module, we will discuss about classical analytical methods. nowadays, there are many instrumental techniques available, but at the same time, classical analytical methods are still in use. acid-based titration, redox titrations, complexometric titrations, and gravimetric analysis are some of these methods. instrumental techniques, key main requirement, key amici, efficacy, better. बहुत कम कंसंट्रेशन एनालाइट की भी मालूम कर सकते हैं लेकिन जिन जगहों पर अब भी इसको, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ एसिड बेस ट्राइट या रिडॉक्स ट्राइटिशंस का सहारा लेते हैं वजह इसकी ये, है ये सस्ती टेक्निक्स हैं एक्सपेंसिव नहीं है और हम इंस्ट्रोमेंटल तकनीक के मुकाबले में जहाँ इनको यूज़ किया जा सकता हो वहाँ जरूर परफॉर्म किया जाता है यूएसपी बी पी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया में एसपेरिन ये कॉमन एक ड्रग जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पेन किलर के तौर पे इसके लिए जो ऐसे इस वक्त मौजूद है वो भी एसिड बेस टाइटिशन के साथ हैं हालांकि ज़्यादातर एनिटिकल मेथड्स इस वक्त एच पर मुंतकिल हो चुके हैं लेकिन इस बेसिक ड्रग के लिए जो ऐसे मौजूद है वो एसिड बेस टाइटिशन के साथ ही परफॉर्म किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमीटिक टाइटिशन जिसमें हम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं लिगेंट्स के साथ और ये तकनीक ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है अगर एन लाइट हमारे मेटल आयंस हों कैल्शियम, मैग्नीशियम या और दीगर मेटल्स मौजूद हैं रिडॉक्स टाइटेशन जो बेसिक तकनीक जहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी वजह से बाज़ा कलर चेंज हम ऑब्ज़र्व करते हैं रिडॉक्स हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन प्ले करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑक्सीडाइज कर सकती हैं वो हमें फ़ायदा होती हैं जैसे चाय की पत्तियों के बारे में आप एडवर्टिजमेंट सुनते हैं कि इनके अंदर एंटी मौजूद होते हैं जो फ़ायदा पहुँचाते हैं तो इसकी एवेल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ों पे हम रिडॉक्स टाइट्रेशंस इस्तेमाल करते हैं इस तरह एनालिसिस जिस जगह पर प्रेसिपिटेट आउट किया जा सके किसी एक एनालाइट को उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए वहाँ हम एनालिसिस का सहारा लेते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस ये हमारी सबसे पहली तकनीक है जिसको हम यहाँ पे तस्कर करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम एक छोटी सी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है कि ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी या एक्स प्लस वाई ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी आपका रिएक्टन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट रिएक्टन में कन्वर्ट हो रहा है कुछ टाइम लगता है इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर आने के लिए और इक्विलिब्रियम पर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका जो हम अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके होंगे मैट्रिकुलेशन में भी कि के इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रैक्टन की कंसंट्रेशन ये हमारा के या एक्ब्रम कॉन्सटेंट है एसिड बेस टाइटेशन में तो एक्लिब्रम कॉन्सटेंट एस्टबलिश नहीं होता एसिड बेस एसिड्स फ़ॉरन बेसिस को रेड करेंगे और टाइटेट करने के बाद सॉल्ट्स और वाटर बनाएंगे लेकिन वाटर इट्स सेल्फ एच टू ओ ये बाजुकात इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं भी हैं तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो अपने आयनस के साथ एक एकब्रियम पोजिशन में मौजूद है एच टू ओ गि एच पॉजिटिव आयन एंड ओ एच आयन मुख्तलिफ थीज डिकस हम कर सकते हैं जिसमें एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया गया जिसमें से आर्निस थ्योरी ब्रांसटेड लॉरी ब्रांसटेड थ्योरी कहलाती है और लिविस थ्योरी सबसे पहले आरहेनिस ने इस बात को तस्करा किया और उसने अंडरस्टैंडिंग ये दी लेकिन इनसे पहले भी एसिड्स और बेसिस इस्तेमाल में ज़रूर थे मुस्लिम साइंटिस्ट भी अपने इरा के अंदर एसिड्स बनाने का काम भी रहा और इसके लिए इससे पहले की भी कुछ क्लासिकल थीरीज़ मौजूद थी कुछ की अंडरस्टैंडिंग में कि ऑक्सीजन रखने वाले कंपाउंड्स एसिड कहलाते हैं या एसिड्स में ऑक्सीजन ज़रूर मौजूद होती है या बाजुकात अपने टेस्ट के साथ इनको कोरिलेट किया जाता है कि शोर टेस्ट वाली चीज़ें एसिड्स होती हैं तो आरहनस ने इसको पहली मरतबा एक साइंटिफिकली जिन नोटेशन को हम पढ़ते हैं कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो एच पॉजिटिव आयन रिप्लेस करें उन्हें हम एसिड्स कहेंगे और जो हाइड्रोक्सिल आयन ये ओ एच नगेटिव आने रिप्लेस करें उन्हें हम बेसिस कहेंगे अभी इस थ्री में कुछ लूफ होज मौजूद हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि अमोनिया जिसमें हाइड्रक्सिलान मौजूद नहीं है लेकिन वो बेसिक करेक्टर शो करती है तो लॉरी ब्रॉस्टर्ड थ्री इसके बाद इसको एक्सप्लेन करती है कि वो तमाम चीज़ें जो एच पॉजिटिव आय दें उनको हम एसिड्स कहेंगे और जो एच पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करें उसे हम बेस कहेंगे और इस फॉर्म में अमोनिया को उसने एक्सप्लेन किया कि वो क्यों एक बेस है क्योंकि उसमें एच पॉजिटिव आय लेने के बाद अमोनियम बन जाता है अब यहाँ वाटर ये एसिड है या बेस तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वाटर एम्फोटेरिक है ये एसिडिक और बेसिक एच टू ओ एक एच पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट भी करता है और हाइड्रोनियम बन जाता है और हाइड्रोक्सिलइन रिप्लेस भी करता है इसलिए बेसिक करेक्टर भी रखता है तो हम इसके जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं उनको देखते हुए ये एज्यूम कर सकते हैं कि एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ रखता है वाटर एसिडिक भी हैं और बेसिस भी हैं लेविस जिसने ऑक्टेट रूल भी डिफाइन किया उसने इस बात को एक्सप्लेन किया एक और अंदाज़ से एसिड्स को कि वो तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें वो बेस कहलाएंगी और जो एक्सेप्ट करें उसे एसिड्स कहेंगे और इस थीरी के मुताबिक जो पहली चीज़ें लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बेसिस कंसडर की थी या जो इससे पहले आरहनिस ने कन्सिडर की थी वो तमाम चीज़ें भी अपनी जगह सस्टेन करती हैं अमोनिया चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए वो बेस है इस वक्त एक और नोटेशन आपके सामने है वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा हुआ है जिसे हम एच ओ एच नेगेटिव एच पॉजिटिव इन कंसनट्रेशन और ये जो रिएक्टेंट है या स्टार्टिंग मटेरियल है वो एच टू है वाटर की कंसनट्रेशन चूंकि कांस्टेंट रहती है और इसे हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएँ तो इसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं कैलकुलेट ये किया गया है कि पानी की डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है वन मल्टीप्लाई बाय टेंपर माइनस फोर मोल स्केर डेसीमीटर क्यूब क्यूब का स्केयर तो इस रिक इसल्यूशंस के अंदर अगर हम एच पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन निकालना चाहें तो मेनली एच पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन ये अगर एच सी एल का सोल्यूशन आप बनाएं एक ग्राम एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब से तो मेन कंसनट्रेशन एच ही की उसके अंदर मौजूद होगी पी एच कहलाती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसनट्रेशन और इसको निकालने के लिए हम पी एच इस वक्त कॉमनली uh, यूज़ करते हैं हाइड्रोजन आइन कन्सनट्रेशन को मालूम करने के लिए पी एच मीटर्स अवेलेबल हैं एसिड बेस टाइटेशन्स बाकायदा इंडिकेटर्स के साथ भी की जाती हैं और एसिड बेस टाइटेशन पोटैंशियो मीटरिक भी होती हैं जहाँ पर हम इस पी एच मीटर को इस्तेमाल करते हुए uh, किसी भी प्रोडक्ट की पी एच में चेंज को ऑब्ज़र्व करते हैं और इसकी बेसिस पे एंड पॉइंट को मालूम करते हैं